बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी को गुरु पूर्णिमा का हार्दिक शुभकामनाएं, वेद व्यास जी की जयंती पे आप सभी को बधाई। आज इस मंच पर उपस्थित हमारे बाल गोविंद बिंद जी, बिहार प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी पार्टी, आज बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रम प्रकोष्ठ के पीटा सिंह जो हमारे साथ चलते पटना से आए हैं, जिला अध्यक्ष बीजेपी पार्टी के जगदीश चौधरी जी, इस सभा में उपस्थित हमारे साथी रंजीत चौधरी जी उर्फ नंदी जी जो निषाद विकास संघ के जिला अध्यक्ष हैं, राजेश कुमार चौधरी जी जिला प्रवक्ता बीजेपी पार्टी, रामाधार चौधरी जी पूजा समिति के अध्यक्ष हैं, सुनील कुमार उर्फ छोटू वार्ड सदस्य पार्षद है यहाँ पर उपस्थित है, बहन हमारे यहाँ पर उपस्थित है तारा देवी जी, श्याम मिलन चौधरी जी पूर्व जिला अध्यक्ष निषाद विकास संघ के, अनिल टाइगर जी, बहन प्रियंका प्रसाद जी जिला पार्षद रोहतास से यहाँ पर उपस्थित है, दुलारी देवी जी मुखिया, रणवीर राजा साहब जी, सीमा चौधरी जी मुखिया, सुनील चौधरी जी, मथुर चौधरी जी, उदय चौधरी जी, रमेश चौधरी जी, उपेंद्र सिंह जी पूर्व मुखिया, कृष्ण कुमार चौधरी जी, सुनैना देवी जी, बजरंगी चौधरी जी, कन्हैया चौधरी जी, अरविंद चौधरी जी जो हमारे साथ चल के अरवल से आए हैं, केशनाथ चौधरी जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस सभा में हमारी एक छोटी बेटी सामान्य सबसे पहले उन्होंने भाषण दिया, अमृता कुमारी जी, और हम स्पेशल तौर पे बहन तारा जी को धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपने हमें अपना गुरु माना, और यही सब चीजें जो है जो मुझे लगता है कि आपके लिए मैं अपनी सारी उम्र जिंदगी एक एक पल एक एक सांस में आपके प्रति आप लोगों के ऊपर बिछावर करूं, ये भी हमारे लिए लगता है कम करेगा। साथियों, लोग कहते हैं ना अपने दिल से जानो प्राय दिल का हाल, आप खुद एहसास कीजिए कि आप क्या है, कितना कष्ट है, उसी तरीके से दूसरे लोगों को भी जिंदगी में उतना ही कष्ट होगा जो चीज करने में, क्योंकि मैं खुद एक गरीब परिवार में, जिस परिवार में पिताजी मछली मारते हैं, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में मैं जन्म लिया, मैंने नजदीक से गरीबी को देखा, महसूस किया, एहसास किया कि बचपन में 10 रुपया का भी कितना महत्व था। उसके बाद बेहतर जिंदगी बनाने के लिए घर परिवार रिश्तेदार सबको छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया, जहां पे दूर दूर तक मेरे खानदान के कोई भी व्यक्ति नहीं थे। मैंने वहां पे संघर्ष किया, मेहनत किया, मजदूरी किया, वो हर गरीब आदमी को जो काम करना चाहिए था वो काम मैं वहां पे मैंने किया, कभी कभी भूखा भी रहना पड़ा, पब्लिक शौचालय में जाना पड़ा, मैंने हर कष्ट को झेला, लेकिन ईमानदारी मेहनत के दम पर अपने पूर्वज के आशीर्वाद से आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने हमेशा आगे बढ़ने का काम किया, और मुंबई जैसे शहर में एक निषाद मल्ला का बेटा बिहार से गया हुआ, वहां पे मैंने अपनी कामयाबी का झंडा मैंने गाड़ दिया, और फिर मैं एक समय आ गया बेहतर जिंदगी जी रहा था, जो दुनिया के जो लोग अमीर लोग होते हैं जो बेहतर जिंदगी जीते हैं वैसा मैंने जिंदगी जीने लगा, कहने कहीं तो मैं धीरे धीरे गरीबी को भूल रहा था, लेकिन फिर मैं 2010 में बिहार आया, अपने लोगों के पास गया, देखा, फिर मुझे फिर से एहसास हुआ, और फिर लगातार अपने लोगों के लिए काम करने लगा, 2014 में अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने लगा, और वो लड़ाई में आप लोगों का भरपूर सहयोग रहा, आपने पूरे बिहार को बता दिया कि अगर बिहार में अगर कोई मेरा एक नेता है तो सरदार मल्ला मुकेश सहनी मेरा नेता है, जितना मेहनत मैंने किया, जितना पैसा मैंने खर्च किया उससे 10 गुना ज्यादा खर्च आपने किया, आज जैसे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर
वेद व्यास जी की जयंती के अवसर पे आपने लाखों रुपया खर्च किया है, पंडाल बनाया, सारा चीज आपने किया है, लेकिन उसको उपयोग तो मैं कर रहा हूं, मैं भी अपनी बात को रख रहा हूं। अब मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बात मैं रखूंगा और सबसे ज्यादा बात मेरा आप सुनेंगे। तो इसी तरीके से पूरे बिहार में हमने तो अपना व्यवस्था किया कि मुझे कहीं जाना है तो हेलीकॉप्टर का खर्चा हो या गाड़ी का खर्चा हो मैं उनका पूरा करता था। लेकिन आपने मेरे आने से पहले लोगों को लाना, मंच बनाना, सभा कराना, लोगों को खाने पीने की व्यवस्था कराना, खाने की व्यवस्था नहीं है तो कम से कम पानी की व्यवस्था करना, अगर जितना हमने खर्च किया उससे कई गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा खर्चा आपने किया। जितना मैंने मेहनत किया उससे कई गुना ज्यादा मेहनत आपने किया। मुझे तो कहीं पे एक सभा में जाने के लिए पटना से हेलीकॉप्टर में बैठा और किशनगंज अगर जाना है तो 1 घंटे में पहुंच जाता था, भागलपुर जाना है तो 1.5 घंटे में पहुंच जाता था। लेकिन लोगों को अगर घर से निकलना है, मान लीजिए कि पटना से किसी को भागलपुर जाना है तो उसको 8-8 घंटा 7-7 घंटा लगता था वहां पे पहुंचने में। तो मैंने जितना कष्ट किया इससे ज्यादा कष्ट आपने किया। आपने धूप में रोड पर खड़ा होकर झंडा लेकर इंतजार करने लगे, किसका इंतजार कर रहे हैं, तो हम अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। तो आपने मुझे सब कुछ दिया, हमने बगैर मांगे हुए आपने हमें दिया, सिर्फ मुझे इसलिए आपने दिया क्योंकि मैं ईमानदारी के रास्ते पे चल रहा था। आपको यकीन हो गया कि एक सच्चा नेता हमारा स्वर्णमला मुकेश सहनी है और मैंने भी वही किया। एक ईमानदारी के रास्ते पे चलकर पहले मैंने अपने आप को साबित किया कि मैं आपके नेता बनने लायक हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं जो चाहता हूँ उस पर मैं अड़िग रहता हूँ, अटल रहता हूँ। और आपने भी मुझे सपोर्ट किया, हम सब मिलकर लड़ाई लड़कर बिहार 2020 में हम लोगों ने सरकार बनाया। खैर अभी मैं सरकार पे बाद में आऊंगा, पहले तो मैं आप सभी को पहले कहूंगा कि सबसे पहले और सभी साथी ने मंच पर ये बात को दोहराया कि अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज पढ़ेगा लिखेगा नहीं और काबिल नहीं होगा ना, कि आज का जो संसार है ये कलयुग है, यहाँ पे ये समय, इस संसार में सब अलग अलग समय का दौर आया। अकाल भी कभी कभी आया है जो हम सुनते आ रहे हैं कि लोगों को खाने पीने के लिए व्यवस्था नहीं था, लेकिन ये दौर जो है उस सब दौर से कठिन दौर चल रहा है। नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपए से 1200 रुपए स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहे, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन करें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, चैनल को प्यार और देते रहिए अपना साथ। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।